सर, अच्छा हम अगर से हम कर्नाटक की बात करते हैं सर, कर्नाटक की सियासत में एक नया मोड़ आया है गुज़्ता दो दिनों पहले, ये बीजेपी और जेडीएस में इत्तेहाद होने के इम्कान है। कुमार स्वामी ने जाकर बीजेपी के मरकजी कायदीन जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, काफ़ी इत्तेहाद तकरीबन हो चुका है, सीटों की शेयरिंग होना बाकी है। जेडीएस जिस तरह से खुद को जेडीएस जनता दल सेकुलर कहती है, क्या आप सेकुलर पर जो है ये सवाल या निशान उठाया जा रहा है तो किस तरह से देख रहे हैं सर? सेकुलर वर्ड निकाल दिया जाए, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड वो लोगों का अलायंस था ही, अब डिक्लेयर्ड अलायंस हो रहा है। अभी तक जेडीएस और बीजेपी हम कहते थे कि ये लोगों का अनडिक्लेयर्ड अलायंस है, अब डिक्लेयर्ड अलायंस हुआ है। ये दानिश अली साहब 2019 से पहले जेडीएस में ही थे, जिसे रमेश बिद्रू जी ने गालियां दी, ये जेडीएस में ही थे 2019 से पहले। क्या दानिश अली साहब को जो गाली गलौज दिया गया उसके ऊपर जेडीएस का स्टैंड क्या है? क्या जेडीएस का स्टैंड बीजेपी ने जो किया वो सही किया? क्या जेडीएस ये मानती है? क्या जेडीएस ये मानती है कि एक ज़माने में जो दानिश अली साहब उनके एमएलसी भी हुआ करते थे शायद, या फिर कोई बड़े लीडर थे जेडीएस के, क्या कुमार स्वामी जी देवेगौड़ा जी अपने पुराने साथी दानिश अली साहब के साथ जो बदसलूकी की गई उसके खिलाफ है, साथ में है? आपने अलायंस तो कर लिया, अब आप ये बताइए ये इशू के साथ में है या खिलाफ है? मैं तो समझता हूँ अनडिक्लेयर्ड अलायंस था, अब जाकर डिक्लेयर हो रहा है। सर, किस तरह से क्या असरात मुरतब होंगे कर्नाटक की सियासत में अगर से बीजेपी और जेडीएस का अलायंस होता है? तो ऑलरेडी बीजेपी के पास फिलहाल 28 में से 26 सीटें बीजेपी के पास हैं, 25 प्लस एक 26 सीटें हैं, तो क्या 2024 के इलेक्शन में भी इसका कुछ पॉजिटिव असर मिलेगा ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं लगता है, इनके अलायंस से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धरामैया की गवर्नमेंट यहाँ पर 5 गारंटी उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर कर्नाटका की जनता के दिलों में जगह बनाई है, और इनके अलायंस से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में 28 सीटें आने वाले दिनों में 20 प्लस करने वाली है कर्नाटका में, ये बात बिल्कुल यकीनी है, इनके अलायंस से कुछ होने जाने वाला नहीं है। शुक्रिया सर।